जाते तो भेंट स्वरूप गुलाब का फूल या कोई भेंट स्वरूप कोई वस्तु लेकर जाते थे। उससे उस रोम के शासक को और भी बुरा लगने लगा। उसने निर्णय किया कि पादरी को फांसी पर लटका दिया जाए, और वही हुआ। 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन नामक पादरी को फांसी पर लटका दिया गया। तभी से उसकी याद में वहाँ के लोगों ने, जो उस पादरी का सम्मान करते थे, वैलेंटाइन नाम के पादरी का, उसकी याद में उस दिन शादियाँ और प्रेम दिवस मनाना शुरू कर दिया। तब से ये वैलेंटाइन नाम के पादरी के नाम पर वैलेंटाइंस डे शुरू हो गया 14 फरवरी के। तो ये हुई पाश्चात्य संस्कृति में जो हुई घटना, उसके कारण जो ये कुसंस्कृति, जो ये एक आचरण शुरू किया गया रोम में, वो एक बहुत ही गंदी संस्कृति हमारे देश में भी आ गई, और जिसका अंधानुकरण हमारी युवा पीढ़ी बहुत ही तीव्रता से करती जा रही है। और अब तो ये अश्लीलता, गंदगी हमारे देश में इतनी बढ़ गई कि इसको मिटाना बहुत ही मुश्किल हो गया। तब एक संत का हृदय पिघला, एक संत का हृदय भावुक हुआ। उन्होंने एक निर्णय किया कि 14 फरवरी को जो बच्चे बच्चियां एक दूसरे को फूल देकर अपना और अपने परिवार का सत्यानाश करते हैं, अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उसके बदले इस दिन सच्चा प्रेम दिवस मनाया जाए। और वो थे एकमात्र हमारे सद्गुरुदेव परम पूज्य बापू जी, जिन्होंने 14 फरवरी के दिन मातृपितृ पूजन दिवस की घोषणा कर दी और मातृपितृ पूजन दिवस मनाने का आह्वान किया। और देखिए आज उसका साकार स्वरूप, आप सभी यहाँ बैठे हैं और हम छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के सामने हाथ जोड़कर आज पूजन करने के लिए, ये शुभ दिन मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। ये हमारे पूज्य बापू जी की देन, हम उंगली से नहीं भुला सकते। यह देश है मातृ पितृ भक्तों का, राम कृष्ण और बापू के प्यारों का। यहाँ मेला है संत फकीरों का, संयमी ओजस्वी वीर जवानों का। कुछ पल बैठा करो माँ बाप के पास, हर चीज नहीं मिलती मोबाइल के पास। एक बार श्री कृष्ण भगवान नेमिनाथ को स्वप्न बताया कि रात को स्वप्न में उठकर सुबह उन्होंने देखा कि गाय अपने बछड़े को चाटे जा रही है, और इतना चाट रही है कि उस गाय के खून निकलने लगा बछड़े के। गाय ने उस अपने बच्चे को इतना चाटा कि उस बच्चे के खून तक निकलने लगा। लेकिन जैसे ही कृष्ण भगवान की आंखें खुली और उन्होंने भगवान नेमिनाथ को अपना ये स्वप्न बताया, तो भगवान कहते हैं कि यह स्वप्न पंचम काल कलयुग का लक्षण है। कलयुग में माता पिता अपनी संतान को इतना प्रेम करेंगे, उन्हें सुविधाओं का इतना व्यसनी बना देंगे कि वे उनमें डूबकर अपनी ही हानि कर बैठेंगे। सुविधा भोगी और कुमारगामी बनकर विभिन्न अज्ञानताओं में फंसकर अपने होश गवा लेंगे। तो आजकल वो भी यही रहा है, माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, बाइक दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, फैशन की सामग्री दे देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि बच्चों का क्या इससे उत्थान हो रहा है? नहीं, बच्चों का बहुत पतन हो रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। आज के समय में मैंने भी देखा है, गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप फ़ोन दे देते हैं ताकि चुप हो जाए, खेलते रहे। लेकिन आप जाने अनजाने बच्चों का कितना अहित कर रहे हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हमें अपने इतिहास में देखने को मिलते हैं। पुंडरीक हुआ, जो मातृपितृ भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं विट्ठल भगवान को प्रकट कर दिया। पंडरपुर की एक बहुत ही सच्ची घटना है कि जब मातृपितृ भक्ति सेवा में लगा पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, तो भगवान विट्ठल प्रकट हुए और पुंडरीक के सामने बोले कि बेटा मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। पुंडरीक ने कहा
भगवान कुछ समय इंतजार करिए, मैं अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त हूँ। भगवान ने बोला, जैसी तुम्हारी इच्छा। पुंडलिक ने कहा कि भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैं एक ईंट आपको दे रहा हूँ, इस ईंट पर खड़े हो जाइए। पुंडलिक ने अपने माता पिता की सेवा करते करते एक ईंट को हाथ से ऐसे कमरे से बाहर खिसका दिया और भगवान विट्ठल पुंडलिक की माता पिता मातृ पितृ भक्ति देखकर उस ईंट पर दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़े हो गए और इंतजार करने लगे। आज भी वो जगह पंढरपुर में वो मंदिर बना हुआ है जहाँ मातृ पितृ भक्त पुंडलिक का वो मंदिर है और विट्ठल भगवान दोनों कमर पर हाथ रखकर ईंट पर खड़े हैं। कैसी है ये महान मातृ पितृ भक्ति पुंडलिक की। तो आइए हम सब इस सच्चा प्रेम दिवस मातृ पितृ पूजन दिवस को शुरू करते हैं। मैं हाथ जोड़कर अपने गुरुदेव के श्री चरणों में बस दो लाइन बोलना चाहूँगी। मातृ पितृ पूजन की राह दिखाने वाले, भला हो तेरा नींद से हमें जगाने वाले। कलयुग में सतयुग को मोड़ के लाने वाले, भला हो तेरा नींद से हमें जगाने वाले। अब सभी विद्यार्थी अपने माता पिता के चरणों में बैठे हैं, खूब अवोभाव से श्रद्धा भाव से पूजन शुरू करेंगे। सबसे पहले दोनों हाथ घुटनों पर रख के ओंकार का गुंजन करेंगे। हरी